सो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो एक दफ़ा बनाई थी कि 15.2 जो अपडेट आया था आईपैड का, तो वो अपडेट नहीं करना, तो क्योंकि बहुत लैग का इशू हो सकता है इन फ्यूचर, या हीट का इशू हो सकता है। तो कुछ दिनों बाद, उसी के कुछ दिनों बाद जब वीडियो मैं बना चुका था, तो उसके कुछ दिनों बाद मुझे खुद ख़ारिश हुई है, तो मैंने अपडेट कर लिया। जब अपडेट कर लिया उसके बाद मुझे छोटा मोटा गेम स्टार्ट होते टाइम या लैंड होते टाइम छोटा मोटा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला। मैंने नोटिस किया, ज़्यादा नहीं था लेकिन नोटिस किया मैंने। तो रिसेंटली अभी आया है 15.3 अपडेट, तो जब मैंने आईपैड ऑन किया तो देखा 15.3 अपडेट आ चुका है। तो क्या वो अपडेट इन सब चीज़ों को फिक्स करेगा, या उसे भी हमें इसी तरह अपडेट नहीं करना चाहिए, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में उसके ऊपर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं। सो गाइस, ये जो अपडेट आया है 15.3 का, तो मेरा ओपिनियन जानना है तो मैं तो कहता हूँ फट से कर लो अपडेट, क्योंकि इस अपडेट में काफ़ी इन्होंने चीज़ें बग्स और ग्लिचेस और लैग वगैरह फिक्स की हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी। तो जितने भी iOS यूज़र थे उनको तो पता ही होगा, जब उन्होंने 15.1 या 15.2 जो भी अपडेट किए उसके बाद काफ़ी इसमें इशू आया था कि लैग देखने को मिल रहा था, फ्रेम ड्रॉप देखने को, चाहे उनका 90 FPS क्यों ना हो लेकिन लैग फिर भी देखने को मिल रहा था। ये इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता, लेकिन खैर फिलहाल उन्होंने फिक्स कर दिया। सो मैं तो यही कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपडेट कर लें। हाँ, अपडेट वो कर लें जिन्होंने 15.2 में अपडेट किया था, मतलब उसे भी अपडेट किया था, उसी की वजह से तो ये सारे मसले बने थे। उसके बाद अब आप 15.3 में अपडेट कर लें। अगर आपने नहीं किया था, अपडेट ही नहीं किया था, मतलब आपको कोई बग ग्लिचेस नहीं देख रहे थे तो आपने अपडेट नहीं किया था, तो आप, मैं तो यही कहूँगा कि आप अपडेट ना करें, क्योंकि ये फालतू के एपिसोड ही है एक किस्म की। और भी इन्होंने इसके साथ साथ काफ़ी इश्यूज सॉल्व किए हैं, जैसे सिक्योरिटी इश्यूज पे काम किया है इन्होंने। सिक्योरिटी का कोई मसला चल रहा था तो उसके ऊपर इन्होंने वर्क किया है, वो बेहतर बनाया है। मैं तो सीरियसली जब 15.2 अपडेट किया था तो मैं तो खुद चौंक गया था, भाई ये मैंने डिवाइस लीक क्यों है। तो हालांकि अगर इसमें भी अभी लैग हो रहा है तो फ्यूचर में क्या होगा, मतलब इन फ्यूचर 1-2 साल तक तो ये बिल्कुल ही फारग हो जाएगी। लेकिन फिर काफ़ी ये अपडेट आने के बाद काफ़ी तसल्ली हो गई है, तो काफ़ी अच्छा गेम प्ले हो रहा है। और जैसा कि मैंने बोला कि मुझे कुछ दिन पहले ख़ारिश हुई थी, तो मैंने 15.2 में अपडेट किया था, बस वही ख़ारिश मुझे लेट हुई है। तो अगर तो आपने अपडेट नहीं किया तो अच्छे रह गए, बस आप फिर ये भी अपडेट ना करें, क्या पता हर 1-2 दिन में पता चले कि इसमें भी कोई मसला है। तो इसलिए उससे बेहतर है कि आप अभी अपडेट ना करें। तो अगर जिन्होंने 15.2 अपडेट किया था तो उनको चाहिए कि ये कर लें, क्योंकि 15.2 से तो बहुत अच्छा फील करा रहा है ये वाला अपडेट। सो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप गेम इंजॉय करें जो बैकग्राउंड में चल रही है। अगर आपको गेम अच्छी लगे बैकग्राउंड में चलते हुए, या वॉइस ओवर या कुछ और चीज़ अच्छी लगे, कोई इन्फॉर्मेशन पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Team victory. Marked a location.